मैं प्राध्यापक एलबी गायकवाड़ आज आपके सामने एक नया विचार लेके आया हूँ। आज हम आजकल के प्यार के ऊपर बोलने वाले हैं। आजकल प्यार या प्रेम चेहरे को ही देखकर होता है। कहने का मतलब यह है कि आजकल सुंदर शरीर का इतना महत्व बढ़ गया है, हम सब लग्जरियस जीना जी रहे हैं तो चेहरे भी बदल गए हैं। इन सभी चेहरों को देखकर प्रेम या प्यार किया जाता है। यही बुरी चाहत प्यार का महत्व कम कर देती है। देखिए, प्यार का महत्व तो बढ़ना चाहिए, प्यार तो बड़ा होता है, प्यार भगवान की देन होती है। लेकिन यह जो चेहरे को देख के प्यार किया जाता है, यह प्यार प्यार का ही महत्व कम कर देता है। क्या प्यार हम इंसानियत, मोहब्बत या सच्चे दिल से नहीं कर सकते? यही प्रश्न यहाँ पर निर्मित होता है। इंसानियत से, मोहब्बत से या सच्चे दिल से प्यार नहीं किया जाता क्या? इसका उत्तर आता है, इंसानियत से, मोहब्बत से हम प्यार कर सकते हैं। प्यार यदि अच्छे दिल से करना हो तो प्रस्थापित विवाह पद्धति यानी अरेंज मैरिज सिस्टम अपनाना पड़ेगा। देखिए, आजकल के प्रेमियों ने प्यार का महत्व बहुत ही कम कर दिया है, इसलिए इस प्यार को ऊपर उठाने के लिए प्रस्थापित विवाह पद्धति यानी अरेंज मैरिजेस को ही अपनाना पड़ेगा। यह विचार सामने आ रहा है मेरे हिसाब से। आप कहेंगे, क्यों भाई ऐसा क्यों? अरेंज मैरिज सिस्टम ही क्यों? मैं कहूंगा उसमें संस्कार की नई शुरुआत होती है। जब पति और पत्नी साथ में आते हैं तो उनका नया संसार शुरू होता है और नई शुरुआत होती है। पति पत्नी एक दूसरे के करीब नहीं आए हुए होते हैं। ये जो संसार मैरिज अरेंज मैरिज का होता है, इसी संसार में पति और पत्नी साथ में नहीं आए हुए होते हैं। वह एक दूसरों के लिए बहुत ही विचित्र हुआ करते हैं, यानी शादी के बाद ही वो एक दूसरे के पति पत्नी बनते हैं। उसके पहले वह एक दूसरे से अलग रहते हैं। यही एक महत्व की बात इस संसार में यानी अरेंज मैरिज में उत्तम तरह से बताई गई है। इसलिए उनमें यानी पति और पत्नी दोनों के बारे में रहस्यमय वातावरण होता है। देखिए, जब पति और पत्नी संसार में घुलमिल जाते हैं, वो दोनों एक दूसरों को अच्छी तरह से पहचान भी नहीं पाते हैं और उनका संसार शुरू होता है। पत्नी रहस्यमय स्वरूप में रहती है, पति भी वैसा ही रहता है। एक दूसरों का जो भी प्यार का बंधन होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है और दोनों एक दूसरों के लिए उस रहस्य को खोजने के लिए बस जीना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक महत्व की बात ऐसी है कि जो पति पत्नी होते हैं, अरेंज मैरिज से वो आते हैं,
वह पति पत्नी अपने रहस्य के लिए, संसार के रहस्य के लिए वो नई शुरुआत करते हैं और वही रहस्य खोजने के लिए वो जीना शुरू करते हैं। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो प्रेमियों के जीवन में कोई रहस्य होता है ऐसा हम नहीं बता सकते। जो भी प्रेमी पहले से एक दूसरे के लिए पहचानने जाते हैं वह इतना पहचानते हैं एक दूसरे के लिए कि उन दोनों में जो रहस्य होता है या रहस्य की बात होती है वह बात उनमें खत्म हो जाती है। वो दोनों प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद संसार करते हैं या संसार वो शुरू करते हैं तो संसार यह बात उनके लिए कोई मायना नहीं रखती क्योंकि वो संसार का जीवन का जो रहस्य है वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही मुक्त व्यवहार से साथ में रहते हैं शादी के पहले और वही बात यहाँ पर उन्हें मार जाती है या उन्हें खा जाती है। उस रिकम्य स्थिति में दोनों संसार शुरू करते हैं। उनकी जो स्थिति होती है वो रिकम्य होती है क्योंकि अभी कोई रहस्य तो है नहीं, इसलिए उस रिकम्य स्थिति में वो दोनों अपना संसार शुरू करते हैं। दोनों साथ साथ रहते रहते झगड़ने लग जाते हैं। देखिए, यदि आदमी के पास कुछ रहस्य नहीं हो तो झगड़ना, यही बात सामने आ जाती है। ये दोनों के पास कोई रहस्यमय ऐसी कहानी नहीं होती। मुक्त संस्कृति से वो शादी के पहले एक दूसरे के साथ जिए होते हैं, इसीलिए रहस्य न होने की वजह से वह दोनों साथ साथ रहते हैं लेकिन बहुत झगड़ने लग जाते हैं क्योंकि संसार में रहस्य नहीं होता है। क्योंकि उनका जो संसार शुरू होता है उस संसार में रहस्य बिल्कुल ही नहीं होता। सब मानव जात रहस्य के लिए जी रही है और इनके जीवन में रहस्य होता ही नहीं है, फिर जिए तो किसके लिए जिए। यह अवस्था तक यह दो जीव जल्दी ही आ जाते हैं। देखिए, दोनों ने प्यार किया, प्यार के बदलौत ओ यानी प्यार के वजह से वो दोनों एक साथ हुए, आए, संसार शुरू किया। लेकिन इस संसार में रहस्य उनको मिला नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं रही उन दोनों में कि वह उस बात के लिए संसार जिए। क्योंकि शादी के पहले, संसार शुरू करने के पहले वो सब जी लेते हैं, इसीलिए वो रहस्य सब खत्म हो जाता है। फिर कुछ ही समझदार लोग प्रेम करके यशस्विता मनाकर यशस्वी संसार जीते हैं। तो देखिए, इन प्रेमियों में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो प्यार के बाद संसार शुरू करते हैं बहुत ही यशस्विता के साथ। वो दोनों प्यार करके संसार जी लेते हैं। लेकिन बहुत से ये जो प्रेमी होते हैं वह अपने संसार में बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं और कुछ कमा नहीं सकते या कुछ संसार जी नहीं सकते। बाकी प्रेमी हार कर खत्म हो जाते हैं। कहिए, यह जीवन का उद्देश्य है क्या? तो फिर एक प्रश्न यहाँ पर निर्मित हो जाता है कि यह संसार का उद्देश्य है क्या? तो उत्तर आता है कि नहीं, यह संसार का कोई मतलब ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है। तो यह प्यार करने वाले प्यार के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, या किस वास्ते वह दोनों जीना जी रहे हैं? पैसों वाले रहे या गरीब रहे, सभी की यही स्थिति हो जाती है।
देखिए, प्यार करने वाला कोई गरीब रहे, प्रेमी और प्रेमिका दोनों गरीब भी रहे या पैसे वाले भी रहे, तो दोनों का यही हाल हो जाता है। उच्च स्थान पर रहकर भी वह लोग एक दूसरों को चाहकर भी प्यार नहीं कर सकते। देखिए, यह बात ज्यादा हो जाती है। प्यार करके वह समाज माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप का कहना वह प्यार की मस्ती में नहीं समझ पाते। देखिए, इन लोगों की प्यार की मस्ती, शरीर का सौंदर्य इतना बढ़ जाता है, इतने आकर्षण में ये लोग पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, कि इन्हें समाज, माँ बाप या कोई रिश्तेदार का कोई बंधन नहीं रहता और शादी के पहले ही वो प्यार में बंधे जाते हैं। तो यह बात उनके लिए बहुत ही बुरी हो जाती है और संसार में वह लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि मस्ती जो होती है, ये मस्ती ईश्वर की तरफ से होती है। यह मस्ती एक शरीर का आनंद होता है। यह मस्ती को अच्छी तरह से जीना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इस मस्ती को सेक्स कहा जाता है। इस सेक्स को इन लोगों ने समझा ही नहीं और सेक्स का बहुत ही बुरा हाल कर दिया, या बुरे ढंग से उसका इस्तेमाल किया, और अभी वह संसार में कोई सेक्स नहीं कर पाते और फिर उनका बहुत ही झगड़ा हो जाता है। और यही सभी बातें इकट्ठा होकर उन प्रेमियों को खत्म ही कर देता है। इसलिए आज मैंने यह विचार लिया हुआ है कि मेरे दिल में एक बात आ गई। आजकल प्रेमी बहुत दिख रहे हैं, लेकिन प्यार में सब सफल नहीं हो रहे। इसीलिए मैं इन सभी प्रेमियों को पहले कहूंगा कि जिससे हमें तकलीफ होती है, ऐसी कहानियां हमने बनाना नहीं चाहिए। देखिए, हर प्रेमी ने ये मेरी बात सुनना चाहिए यहाँ पर, कि जिस बात का हमें बिल्कुल ही तकलीफ का कारण बनता है, उसी तकलीफ को हमने नहीं अपनाना चाहिए, उसकी कहानी हमने नहीं बनानी चाहिए। माँ बाप को हम अंधेरे में रखकर ऐसी कहानी बना लेते हैं कि माँ बाप पल में ही खत्म हो जाते हैं। देखिए, ईश्वर ने माँ बाप को जन्म दिया, उसी माँ बाप ने इसी प्रेमियों को जन्म दिया, और यही प्रेमी अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और उनको अंधेरे में रख के प्यार करते हैं, और यही प्यार उनका इतना बढ़ जाता है कि फिर वह अपनी जिंदगी अच्छी तरह से नहीं जी सकते। माँ बाप को छोड़ हम भाग जाते हैं, माँ बाप को छोड़ हम भाग जाते हैं, प्रेमी है तो भागे ही क्यों? भागना तो चोर को होना होता है, प्रेमी को नहीं, फिर भी वह दूर भाग जाते हैं। देखिए, ये भागे ही क्यों? क्योंकि यदि वो प्रेमी हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो भागे ही क्यों? यह एक महत्व की बात यहाँ पर हो जाती है। बात यह है कि उनका प्रेम अनैसर्गिक बन जाता है। देखिए, प्यार कोई अनैसर्गिक नहीं होता, फिर भी यानी इनके शरीर उसे अनैसर्गिक बना देते हैं। वह अपने शरीरों के सौंदर्य में इतने बह जाते हैं कि उन्हें प्यार का कोई मतलब ही नहीं रहता, और प्यार बिल्कुल ही सामान्य उनके लिए बन जाता है। तो बात महत्व की है कि कोई प्यार अनैसर्गिक नहीं होता, यदि नैसर्गिक होता तो वह भागते ही क्यों? यही भागना ही उनके लिए अनैसर्गिक हो जाता है। देखिए, यदि प्यार करने वाले भाग जाए, भागने के बाद संसार में गिरे, तो संस्कार
संस्कार के साथ यदि वो संसार नहीं करे या नहीं करते हैं, तो उनका यह जो भी बर्ताव है एक दूसरे के साथ, ये अनैसर्गिक ही हो जाता है। प्यार करना यह बात समाज विरोधी है, यह मैं कहूँगा नहीं। देखिए, प्यार करना कोई समाज के खिलाफ है या कोई बुरी बात है, ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन हमारे घर की अस्मिता के लिए वह अच्छी बात नहीं है, यह मैं जरूर यहाँ पर बोलूँगा। या प्रेमियों को मैं सलाह दूंगा कि अपने घर के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपने माँ बाप के अस्मिता के लिए, अपने माँ बाप के संस्कार के लिए यह बात बहुत बुरी होती है। और प्रेमी कम उम्र में ही प्यार में खत्म हो जाते हैं। देखिए, बहुत ही कम उम्र होती है और उसी कम उम्र में यह प्यार में गिरते हैं और खत्म हो जाते हैं। और जो कम उम्र होती है, कम उम्र को शरीर का बहुत आकर्षण होता है, उन्हें वैसा प्यार का महत्व समझता ही नहीं और एक दूसरे के प्यार में वह गिर जाते हैं और सब मुक्त व्यवहार करने लग जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अरेंज मैरिज हमारे संस्कार की रीत रही है और यह रीत सभी ने अपनाना चाहिए। प्यार की बातें छोड़ के यदि अरेंज मैरिज बना लिया जाए और अरेंज मैरिज संस्कृति लाई जाए, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। यदि हम यही अरेंज बात को, अरेंज मैरिज को स्वीकार ना पसंद करते हैं, तो प्रेमियों को ऐसा मरना नहीं पड़ेगा, वो खत्म नहीं हो जाएंगे, माँ बाप उनके साथ ही रहेंगे और वह बहुत प्रगति करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, मगर माँ बाप को फंसाना यह बहुत बुरी बात होती है। जिस माँ बाप ने उन्हें संभाला, उन्हें प्रेमी न कहते हुए प्यार वह कर बैठते हैं। देखिए, माँ बाप सच्चे प्रेमी होते हैं, माँ बाप का प्यार उन्होंने समझना चाहिए, लेकिन हम इन प्रेमियों को प्रेमी नहीं कर सकते क्योंकि अपने माँ बाप को वह प्रेमी समझ नहीं पाते। उन्हें प्रेमी न कहते हुए, यानी हम उन्हें प्रेमी नहीं कहेंगे, वह प्रेमी तो उनको नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे खुद को फंसा कर वो प्यार कर बैठते हैं, यह अच्छा है क्या? यही एक प्रश्न यहाँ पर मैं हमेशा के लिए बोल रहा हूँ कि शरीरों को देख के, सौंदर्य को देख के यह प्यार हो जाता है, तो ये प्यार है या आकर्षण है, ये संस्कार है या कोई सेक्स की बात है? तो मैं कहूँगा ये सेक्स की बात है, इन प्रेमियों को सेक्स संभालना नहीं आता। तो फिर क्यों हम यहाँ पर प्यार करें, क्यों नहीं हम यहाँ पर अरेंज मैरिज को स्वीकारें? तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि प्रेमियों ने प्रेम करने के बजाय यदि अरेंज मैरिज वह सभी पसंद करेंगे या अपने अरेंज मैरिज के पहले यदि वह प्यार शुरू कर देते हैं, मुक्त संस्कृति जीना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही यह मुक्त संस्कृति संस्कार के खिलाफ है, क्योंकि हम प्राणियों का जीवन देख रहे हैं, प्राणियों में कोई संस्कार नहीं होते। प्राणियों का यदि जीवन देखा जाए तो बहुत ही मुक्त स्वरूप का होता है, और यह दोनों प्रेमी आदमी होते हैं, उन्हें बिल्कुल ही समझ होती है, संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों को, समझ को वह भूलकर यह प्यार कर लेते हैं, इसीलिए यही एक बुरी बात हो जाती है और वह संस्कार में या संसार में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको नक्की यह बात बोलूँगा कि इन प्रेमियों ने अरेंज मैरिज स्वीकारना चाहिए, इन्होंने अपना जो प्यार का यह ढंग चल रहा है
यह सब छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। रुकने के पहले मैं आप सभीओं को एक विनती करूँगा कि मेरा यह विचार जो भी है या मेरा जो भी मैंने एक प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो प्लेलिस्ट है इन सभी हिंदी विचारों की वो आप शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल यह बढ़े यह बात आप कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।